हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मॉमी हेल्प। मैं मेघा आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक चीज़ हम सबके मन में बहुत ज़्यादा आती है कि मुंडन कराने के बाद बच्चे के सिर का ख्याल कैसे रखा जाए। तो आज का ये वीडियो दोस्तों मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके बच्चे का भी आपने शेव करा दिया है, मुंडन करा दिया है, इंडियन कल्चर में मुंडन कराना बहुत ही चर्चित भी है और कंपलसरी भी आप कह सकते हैं। हिंदू धर्म में बच्चे का मुंडन जरूर ही करवाया जाता है। तो मुंडन कराने के बाद सब लोग ये सोचते हैं कि अगर आपने बच्चे के शेव करा दिया है तो बच्चे को सिर पर मुंडन करा दिया है तो उसके बाद जो होता है बच्चे के बाल बहुत अच्छे आते हैं। तो मुंडन कराने के बाद अगर आपके बच्चे के बाल तब भी अच्छे नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये होती है कि हर बच्चे के बालों का टेक्सचर, बालों की ग्रोथ बिल्कुल अलग अलग होती है। बहुत बार ये जेनेटिक भी होती है कि बच्चों के जो बाल जाते हैं माता पिता पर जाते हैं। जैसे कि मेरे बेटे के बाल उसके पापा पर गए हैं, उसके पापा के भी बाल बहुत अच्छे और घने थे तो मेरे बेटे के बाल भी बहुत ज़्यादा घने ही थे। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है और ये हो सकता है कि बच्चे की, अगर आप अच्छे से बालों की केयर करेंगे तो बच्चे के बाल अच्छे ही आएंगे। अब बात करते हैं कि जब बच्चे का मुंडन करा देते हैं तो उसके बाद बच्चे के सर का ख्याल किस तरीके से रखा जाए जिससे कि बच्चे के जो बाल हैं बहुत ही अच्छे आएं। जब भी आप बच्चे के सर का मुंडन कराते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा बच्चे के सिर पर रस्म के हिसाब से भी हल्दी लगाई जाती है, थोड़ा सा हल्दी से स्वास्तिक वगैरह बनाया जाता है। तो आप जिसमें हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बच्चे को अगर शेव करने के कारण कोई भी सेप्टिक या कुछ भी कहीं भी कट लग जाता है तो उससे बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। तो आप क्या करें, सबसे पहले बच्चे के सिर पर चंदन और हल्दी का पेस्ट बनाकर लगा दें। इससे बच्चे का सर ठंडा रहेगा, कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन बच्चे को उससे नहीं होगा, बच्चा के सिर में ठंडक मिलेगी। चंदन और हल्दी का पेस्ट बनाकर लगाएं। उसके बाद जब आप बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं तो बच्चे के सर पर बाल नहीं होते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे को आपको मसाज देनी है अच्छे से। अब बात आती है कि मसाज आपको किस ऑयल से देनी है कि बच्चे की जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से हो। बच्चे के सर पर आपको प्योर नारियल के तेल से ही मसाज करनी है। आपको नारियल का तेल लेना है, अच्छे से गर्म करना है, बच्चे के सर पर हल्का हल्का लगाना है। टाइट हाथ से मसाज नहीं करनी है क्योंकि मुंडन ज़्यादातर 6 से 7 महीने के बाद ही बच्चे का कराया जाता है। तो हल्के हल्के हाथों से दिन में 4 से 5 बच्चे के चंपी कीजिए। चंपी करने से बच्चे के बाल बहुत ही अच्छे आएंगे और मजबूत भी आएंगे। दूसरी चीज़ जो आपको ख्याल रखनी है कि अब जब भी आपका बच्चा दिन में लेटा रहता है तो आप बच्चे के सर पे इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से करते रहें। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है, बच्चे के हेयर ग्रोथ है, टिश्यूज हैं, बहुत ही अच्छे से ये हेयर बच्चे के डेवलप होंगे और बच्चे की जो हेयर ग्रोथ है पहले से काफ़ी अच्छी आएगी। शैम्पू का इस्तेमाल कुछ दिन ना करें क्योंकि बच्चे के जब हेयर नहीं होते हैं तो लोग तब भी शैम्पू करते हैं। शैम्पू करने से क्या होता है कि बच्चे के बाल नहीं है, टिश्यू जो छिद्र होते हैं उनमें छोटे छोटे से बाल जाते हैं तो डायरेक्टली जो शैम्पू है बच्चे की स्किन में चला जाता है। क्योंकि कोई भी आप शैम्पू लीजिए उसमें थोड़ा या कम तो केमिकल होता ही है। केमिकल फ्री शैम्पू भी हम बच्चे वाले भी लेते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। तो कोई भी शैम्पू इस्तेमाल नहीं कीजिए, करना ही चाहते हैं तो डेली एक बार बच्चे को चंदन और हल्दी का लेप लगा दीजिए, इससे बच्चे को काफ़ी फायदा होगा। बच्चे के सर में कॉम्ब आप करते हैं तो बच्चों वाला जो कॉम्ब आता है केवल वो ही आप यूज़ करें क्योंकि वो तेज नहीं होता है, बच्चे के सिर पर वो लगता नहीं है, इससे बच्चे को कोई भी परेशानी होती नहीं है। तो केवल आपको बच्चे वाला ही कॉम्ब यूज करना है, उसी से आपको बच्चे के सिर पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। इससे भी बच्चे को बहुत ही आराम भी मिलता है और अच्छा भी रहता है। नहलाने के बाद बच्चे के सर को टॉवल से तेज तेज ना रगड़ें क्योंकि बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, वो बच्चे को परेशानी देते हैं, इरिटेशन देते हैं, वो चुभते हैं बच्चे को। तो बिल्कुल भी इस तरीके से ना पोछे, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपको बच्चे के सर को पोछना है। इस चीज का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। बच्चे के सर के लिए या बच्चे का जो आप टॉवल अलग रखते हैं तो वो टॉवल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए जो बच्चे के सर पर कुछ भी ऐसे दर्द वगैरह ना करे। तो उस चीज़ का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है, बच्चे का टॉवल हमेशा ही बहुत ही सॉफ्ट रखना चाहिए। इन चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं।
देखिए दोस्तों, मुंडन करने के बाद अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके बच्चे की जो हेयर ग्रोथ है बहुत ही अच्छी होती है। और अगर आपके बच्चे के पहले जो बाल थे, मतलब पहले जो बच्चे का बालों का टेक्सचर था, 2 से 3 बार अगर आपने बच्चे को शेव करा दिया है तो उसके बाद भी थोड़ा सा ग्रोथ अच्छी आ जाती है। क्योंकि ये मान्यता, क्योंकि पहले जो बच्चे के बालों का टेक्सचर था, बच्चों के बालों का टेक्सचर वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले मोटे थे और अब पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे के जन्म से जैसे ही चीजें होती हैं चलती, वो वैसे ही थोड़ी या कम हो जाती हैं। अब बात आती है, एक चीज और बहुत फेमस है कि बच्चे के सर को कितनी बार शेव कराएं। ऐसा माना जाता है कि बच्चे के सर को अगर आप 2 से 3 बार अच्छे से शेव करा देते हैं तो उससे बच्चे के बालों की ग्रोथ अच्छी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा मैंने आपको अपनी वीडियो के शुरुआत में बताया है कि ये बच्चे की जो ग्रोथ होती है ये पहले जैसी होती है, वो धीरे धीरे समय के साथ अपने आप भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के बाल काफी हल्के होते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे उनके जो हेयर है पूरे सर पे आ जाते हैं और ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, अच्छे हैवी बाल भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप शेव नहीं कराएंगे 2 से 3 बार तो बच्चे की हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। लेकिन ये क्या होता है कि जब आप 2 से 3 बार शेव बच्चे के सर को करा देते हैं तो जो हल्के बाल हैं वो हट जाते हैं, और मशीन लगने से बार बार जब मशीन से बच्चे के बाल शेव किए जाते हैं तो वहां पर ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। बस इतना होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जहां पर भी आप मशीन लगा देते हैं वहां बच्चे के बाल आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा, कि ये शेविंग मशीन यहाँ पर लग गई थी, यहाँ पर भी हेयर ग्रोथ होने लगी है। लेकिन ये नहीं होता दोस्तों कि जहां पर बच्चे के बाल हैं ही नहीं वहां पर भी आ जाएगा। अगर मैं कहने लगूँ कि मेरे यहाँ पर मशीन लग गई तो यहाँ पर बाल आ गए, ऐसा नहीं होता है। जहां बच्चे के रोम छिद्र होते हैं, हेयर के टिश्यूज होते हैं, वहीं से बाल उगते हैं। ऐसा नहीं है कहीं भी बाल आ जाएंगे। बस ये होता है कि 2 से 3 बार अगर आप शेव कराते हैं तो बालों की ग्रोथ थोड़ी सी तेज हो जाती है, बस इतना होता है। तो एक बात तो ये रही। तो दोस्तों, अगर आप बच्चे के हेयर ग्रोथ अच्छे से चाहते हैं तो आपको छोटे बच्चे के साथ कुछ चीजों का ख्याल भी रखना होगा। जब आप बच्चे को लिटाते हैं, आपने देखा होगा अगर आप बच्चे को एक ही पोजिशन में लिटाते हैं तो वहां से बच्चे के सर के बाल काफी हल्के हो जाते हैं, या फिर वहां से आपको देखेंगे छीदे छीदे बाल हो जाएंगे, चिपके चिपके बाल हो जाएंगे। किसी बच्चे के लंबे बाल हैं तो वहां से टाइट हो जाते हैं, कर्ली हो जाते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको अगर बाल बच्चे के हैं तो उसको डेली मसाज दीजिए अच्छे से, जिससे कि बच्चों के जो बाल टाइट हो गए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। दूसरा, बच्चों को अलग अलग पोजीशन में लिटाइए, केवल बच्चों को हमेशा एक ही पोजीशन में मत लिटाइए। ये बच्चे के बालों के लिए भी अच्छा नहीं है, बच्चे के हेड के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे बच्चे की हेड की शेप भी खराब हो जाती है। तो इस चीज का भी आप लोग बहुत अधिक ध्यान रखिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, छोटा बच्चा होता है उसे इस तरीके से खींच के अपने पास ले आते हैं। तो इस चीज का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है कि बच्चे को कभी भी खींचे ना। खींचने से क्या होता है कि बच्चे के जो ये बाल हैं वो भी खिंच जाते हैं और उनमें बच्चे को काफी परेशानी भी होती है। तो खींचकर कभी भी बच्चे को ना ले, आराम से बच्चे को उठाकर ही ले। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी होंगी। तो मुंडन के बाद अगर दोस्तों आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे के बाल काफी अच्छे हो जाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।